देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज़ चैनल। खबरों की दुनिया में एक नई पहचान के साथ हम आ चुके हैं आप सभी के बीच। 24 आवर्स टुडे न्यूज़ चैनल की इस नई शुरुआत के लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने घर में घुसकर किया हमला। हमले में महिला हुई थी गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान आज महिला की हुई मौत। पुलिस की लापरवाही का आरोप। जनपद पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र के ग्राम बनकटी का मामला है। पीलीभीत से राजेश गुप्ता की रिपोर्ट। चाचा क्या नाम है आपका? नन्हेलाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनकटी। यहाँ आप जिला अस्पताल मोर्चरी हाउस में आए हुए हैं, क्या समस्या है यहाँ पर है? क्या हुआ है यहाँ पर? तो कैसे क्या हुआ था पूरा बताओ जरा। बैठे रहे और बचाती रही उनको, साहब एक लाठी मारी चतुर्बिहारी ने, एक उसके लौंडा ने और उसके पसली टूट गई। तो क्या हुआ उनका, क्या हुआ है उनका? नहीं, उनका क्या हुआ जो इनके चोट फेट लगी है? खत्म हो गई है। अच्छा, तो पुलिस कार्रवाई आप कर रहे हैं? कुछ कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से? क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, तो आप यहाँ पर जो जिला अस्पताल मोर्चरी हाउस में आए, क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे एक हमारे गांव का ही रहने वाले अन्य लोग झगड़ा हुआ था। कौन कौन लोग हैं? इसमें चतुर बिहारी उर्फ हीरालाल और दिनेश उर्फ चतुर बिहारी, शकुंतला देवी और शकुंतला देवी उर्फ चतुर बिहारी, शांति देवी, शीला देवी और भाई उमेश और जय सिंह चतुर बिहारी। तो क्या हुआ था इन लोगों से? इन लोगों से हमारा उनसे बहुत बार इनसे जो होता है हमारे घर के शराब, आप पड़ोस में हमारा उनका घर है, शराब पी के आके गंदी गंदी गालियाँ देते हैं हमारे दरवाजे के सामने आके। उससे कई बार हमने उनसे कहा है कि मना भी करा है कि हमारे घर से थोड़ा सा दूर हट के गालियाँ भर जाती, लेकिन ये नहीं मानते थे कई बार का। इनकी शिकायत हमने पुलिस में भी दी थी बहुत बार, थाना न्यूरिया में दे एसपी तक को भी दी थी बेसिकल, लेकिन हमारी एक बार इन्होंने मारा पीटा भी उसके बाद में भी शिकायत दी थी उसके तब भी हमारी एसपी तक भी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। अब क्या हुआ है? अब जो हुआ है इनसे कहा भी नहीं, तो हमारी माँ अकेले पड़ गई थी घर पर, यहाँ पर थी और भाई भी था, तो उन्होंने देखा हम बाहर सो रहे थे अंदर घर, तो देखा हमारी माँ के ऊपर जो उन लोग ईटा और डंडों से और बंका लेके औजार लेके देखा तो मार रहे थे गिरा गिरा के, तो हम लोग भागते दौड़ के और गाँव वासी आए थे, तो देखे तो मार मुड़ के उसको आगे, उसके बाद मैंने उसे बचा बची तो मेरे भी चोटें आई थी और कई दिन में चोटें आई थी। तो आपने इस बात की शिकायत वगैरह की पुलिस वगैरह से? पुलिस पर शिकायत की थी, पुलिस के बाद में जब थाने ले जाके उनको कहा हमने हमारा, तो उन्होंने हमारी थाने में नहीं सुनवाई हो रही, तो हमने कहा कि तो लाश है इसको है नहीं डाले तेरे थाने में, तो उसके बाद में उन्होंने कहा तो सिर्फ मेडिकल का को, तो तब भी इन्होंने सुनी नहीं हमारी, उन्होंने लाश को वहाँ डाल के भी चले आए लेकिन सुनी नहीं हमारी। मतलब इस लड़ाई झगड़े में कौन खत्म हुआ है? मेरी माँ खत्म हुई। क्या नाम है उनका? जमुना देवी। उनकी डेथ हो गई है? जी सर। तो पुलिस के द्वारा यहाँ पोस्टमार्टम वगैरह कराया जा रहा है? यहाँ पोस्टमार्टम कुछ नहीं हो रहा सर, हमें सुनवाई लग नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि इसको उचित कार्रवाई होकर इसको जेल हो बढ़िया, इसको जो ऐसा आदमी उसकी सजा हो, लंबी सजा हो बढ़िया।